नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डन इज माई पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गुलदाउदी की ट्रांसप्लांटेशन कैसे की जाए। और 15 दिन पहले मैंने एक इंच के गमले से ये 3 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट किया था पौधा। पौधा अभी करीब 5 से 6 इंच लंबा हो गया। एक बार मैंने पींच भी की थी, इसमें अभी 4 ब्रांचेस है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप 8 इंच के गमले में कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी टाइम हो गया कि 8 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करें। सॉइल मिक्स मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर 70% आपको गार्डन सॉइल लेने हैं, जो खेत की मिट्टी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी हो उसमें मिलाएंगे। 20% हम मिलाएंगे भार्मी कंपोस्ट, या कंपोस्ट आपके पास है तो ये 20% हम इसमें मिला देंगे भार्मी कंपोस्ट। और उसके साथ मिलाएंगे 5% मिलाएंगे हड्डी का चूरा। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फॉस्फेट रहता है, कैल्शियम रहता है, जो पौधे के ग्रोथ में काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें मिलाएंगे आप 3% मिलाएंगे हॉर्न मिल, जो सींग का चूरा होता है। 3% मिलाएंगे, नहीं है तो फिर भी चल जाएगा। और 2% मिलाएंगे नीम केक का पाउडर। नीम केक का पाउडर काफ़ी अच्छा इंसेक्ट का कीड़े मकोड़े हटाने में या फंगस के प्रतिरोध में, जो भी होता है फफूंदी के प्रतिरोध में काम आता है। इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे आइडियल मिक्स है आपके जो 8 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करने के लिए। ये सेकेंड टाइम ट्रांसप्लांटेशन है, पहले मैंने 1 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट किया था। और 8 इंच के गमले में जो ले उसके जो ड्रेनेज हो लो, उसमें गमले के टुकड़े को दे दे, गमले को जो छोटा टुकड़ा हो उसका दे दे, ताकि उसमें से मिट्टी बाहर नहीं आए। और ये देखिए, मैंने आधा जो गमला है, आप आधा गमला इस मिट्टी के सॉइल मिक्स से भर लें। आधा गमले में भरने के बाद हम इसमें जो प्लांट्स मेरे पास है 5-6 इंच के, जो 3 इंच के गमले में, इसको मैं ट्रांसप्लांट करूंगा। और ट्रांसप्लांट करने का तरीका देखिए, आप जो पौधा आप निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने पिंचिंग की थी करीब 10-12 दिन पहले, और ये 4 इंच के 4 ब्रांचेस निकल आए हैं। ये पौधे आप पूरे रूट बॉल समेत निकालिए, बिल्कुल रूट बॉल समेत। ये जो पौधा है, रूट बॉल टूटना नहीं चाहिए। रूट बॉल को आप तोड़िए मत, बिल्कुल ऐसे ही सीधा बिठाइए जैसे रूट बॉल है। इंटैक्ट रूट बॉल समेत पूरा पौधे को आप बिठाइए आपके गमले में। आपको मैंने पहले ही दिखाया कि आधा गमला मिट्टी से भरने के बाद ये आप ट्रांसप्लांट करेंगे रूट बॉल समेत इस पौधे को। और इस पौधे के इसको बिठाइए, पौधे के ऊपर सीधा बिठाइए, और उसके बाद जो सॉइल मिक्स है, सॉइल मिक्स को फिर से आप भर दें। और भरने के मैं तरीका बताता हूँ कि आप जब मिट्टी के गमले में ये जो मिट्टी भर रहे हैं, इसका पूरा गमला नहीं भरिए, ऊपर का जो 2 इंच का हिस्सा है वो खाली होना चाहिए, ताकि आप बीच बीच में इसमें फर्टिलाइजर दे सके, पानी दे सके, गुड़ाई कर सके। इसलिए आप 2 इंच का स्पेस आपको रखना जरूरी है। और ये देखिए, मैंने करीब करीब मिट्टी भर दिया है, और ये देखिए 2 इंच का स्पेस मैंने रख दिया ऊपर की तरफ। और ये 2 इंच का स्पेस रखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, पानी देंगे। और इसके बीच में मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पौधे हैं इस तरह के 8 इंच के गमले में, मैंने पहले भी करीब 15 दिन पहले मैंने ट्रांसप्लांट किया। ये देखिए 8 इंच के गमले में मैंने 15 दिन पहले ट्रांसप्लांट किया था। अभी ये जो पौधे, इसमें पिंचिंग किया था मैंने, अभी इसमें 16 ब्रांचेस आ गई है। और ये 16 ब्रांच आने के बाद 10 दिन बाद फिर इस पर ट्रांसप्लांट करूँगा। ये जो पौधे हैं 3 इंच के गमले में है, इसको मैं 8 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। इस तरह से ये होंगे, और 15 दिन बाद या 20 दिन बाद फिर इसको मैं 12 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। उसकी सॉइल मिक्स अलग होगी, उसकी टेक्निक अलग होगी। तो आपको इस तरह से 20 दिन बाद मैं इसको ट्रांसप्लांट करूंगा, और इसके बीच में मैं इसका एक बार पिंचिंग और कर दूंगा, ताकि इसमें से हमको 64 ब्रांचेस मिल जाए। उसके बाद 15 दिन बाद हम जब पिंच करेंगे तो 200 से करीब ब्रांच आपके मिल जाएंगे, ताकि आपको 500, 700 या हो सकता है आप जुलाई में ये प्रोसेस शुरू किए तो आपको 1000 फूल भी मिल जाए। तो कंपटीशन में जो होता है 700 से 800 या 1000 फूल चाहिए होता है, तो उस तरह से ये प्रक्रिया होती है। और इसमें भी मैं पिंच करूँगा 5 दिन बाद। इसमें पिंच करने के बाद इसमें से 16 ब्रांचेस निकल आएंगे। उसको फिर 10-15 दिन रखने के बाद मैं आपको फिर से ट्रांसप्लांट करके दिखाऊंगा, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। अब जो टाइम है, ये पानी दे देते हैं और इसको रखेंगे सेमी शेड एरिया में। करीब 10 दिन इसको मैं रखूंगा सेमी शेड एरिया में, और 10 दिन बाद बिल्कुल धूप में, ओपन सनलाइट में इसको निकालना है, क्योंकि धूप अगर इसको नहीं मिलेगी ठीक से तो इसके जो पौधे हैं ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम बारिश भी रुक गई है, अब मैं बिल्कुल बाहर धूप में रख दूंगा ओपन एयर में। और ये पौधे भी मैं बाहर कर दूंगा सारे को, ताकि अच्छी तरह से प्लांट के ग्रोथ हो सके। इस तरह का फर्टिलाइजर मिक्स भी मैं बताऊंगा कि आपको 12 इंच के फाइनल पॉटिंग मिक्स क्या होना चाहिए, कब करना है। आपको करीब 20 दिन बाद हम इसको ट्रांसप्लांट करना है,
और उसके बाद उसको हम 12 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे, वो भी एक अलग तरीका है, वो भी आपको सीखना जरूरत है ताकि हजारों फूल इसमें से मिल सकें। तो ये तकनीक मैंने सिखाया, उम्मीद है वीडियो पसंद आया, पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और गार्डनिंग इज़ माय पैशन हिंदी भाषा में नया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल में मैं बहुत सारे नए वीडियो देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।